आमतौर पर देखा गया है कि कई लोगों के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। आप हम में से हर किसी के पेट से आने वाली गुड़गुड़ की आवाज को महसूस भी किया होगा, लेकिन हर कोई इसे नजरअंदाज कर देता है। कई लोगों का मानना है कि ज्यादा भूख लगने की वजह से इस तरह की समस्या आती है, लेकिन कई बार खाना खाने के बाद भी लगातार इस समस्या को देखा गया है। ऐसे में इसे भूलकर भी नजरअंदाज न करें, ये कई तरह की बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। मेडिकल भाषा में इस गुड़गुड़ की आवाज को स्टमक ग्रोलिंग कहा जाता है। माना जाता है कि इस तरह की आवाज भोजन पचने के दौरान पेट और आंतों से आती है। जब भी खाली आंत के बीच से खाना और पानी गुजरता है तो इस तरह की आवाज आती है। हालांकि इसे ज्यादा चिंताजनक नहीं बताया गया, लेकिन बार बार आवाज आना पाचन तंत्र में किसी गंभीर बीमारी की वजह भी हो सकती है। एक रिपोर्ट की माने तो जब खाना व्यक्ति की छोटी आंत में पहुंचता है तो शरीर खाद्य पदार्थों को तोड़ने और पोषक तत्वों के अवशेषण के लिए एंजाइम जारी रखता है। इसके अलावा आपको भूख न लगना भी एक अहम कारण साबित हो सकता है। यदि इन दो कारणों के अलावा भी आपके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है तो आप समझ जाइए कि किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर रहा है। अगर आप भी इस समस्या को महसूस कर रहे हैं तो इस दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, साथ ही कुछ न कुछ खाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप हर्बल चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों में राहत मिले, जिससे आपके पेट से आवाज आना बंद होगी। अगर इसके बाद भी पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।